कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? सभी ठीक से अच्छे? तो आज क्या करेंगे हम? आज हम कौन सी क्रिया करेंगे? रस्सी कूदने से क्या क्या होता है? टांगे भी मजबूती होती है और हमारी पैरों की मांसपेशियां, हाथों की, ठीक है, हमारी वायु की बाजू होती है ना, बाजू, इससे हमारी मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत होती है। पहले मैं आपको रस्सी कूद कर बताऊंगी, फिर आप भी कूदना, ठीक है? देखो ऐसे कूदते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, कैसे कूदते हैं लगा पता? अच्छा अब आप कूद कर बताओ मेरे को, धीरे धीरे, एक एक बार में, एक बार भी एक स्टेप करो, धीरे नहीं, धीरे करो, मैं जैसे मैं कर रही हूं ऐसे, देखो कैसे करोगे आप, ऐसे 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 करो, करो ऐसे, एक बार चलो अब मैं दूसरे बच्चों को देती हूँ, ठीक है, चलो आप भी करो। क्या होते हैं रस्सी कूदने से बताओ मेरे को, चमड़ी मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, टांगे मजबूत होती है हमारी, और हाथ हम ऐसे घुमाते हैं, हाथों की भी मांसपेशियां मजबूत होती है ना, हमारी सेहत भी अच्छी रहती है इससे, और हमारा शारीरिक विकास भी होता है ना। चलो आप लोग, समीर, समीर है ना आपका नाम, चलो आप भी खोदो, देखते हैं कौन कूदता है अच्छे से, धीरे धीरे, ऐसे नहीं, धीरे, ऐसे, हाँ ऐसे, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कर रहे हो, धीरे खोदो, ऐसे ऐसे, चलो दूसरे बच्चे को दे दो, वेरी गुड वेरी गुड, इधर आके करो, इधर आके, इधर आकर करो, नहीं आ रहा आपको, मैं बताती हूँ, दोबारा से करते हैं, ठीक
कोल्ला।